हेलो सीएसआई नेट लाइफ साइंस स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। कैटलिस्ट की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक है उसका 13th एडिशन मार्केट में अवेलेबल है। आप सभी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, मैसेजेस के थ्रू, मेल्स के थ्रू पूछ रहे थे कि ये बुक कब आएगी, तो अभी आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आप इसको कहीं से भी बाई कर सकते हैं और इस बुक में आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इस बुक की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। देखिए, जब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप शुरू करते हैं तो दो चीज़ें वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। पहली चीज़ सिलेबस की एनालिसिस, दूसरी चीज़ जो सिलेबस है उसके लिए कौन सी रेफरेंस बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप सिलेबस की एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। कैसे? इसमें एक टेबल दी गई है जिसमें जो PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो आपको किस यूनिट से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस किस ईयर में पूछे गए हैं उसको पूरा एनालाइज किया गया है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़, इस बुक में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सेग्रीगेटेड मैनर में मिलते हैं। अब होता क्या है कि जनरली जब बच्चे क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि PYQs किस तरीके के आ रहे हैं, तो कई बार वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन सब मिक्स दिए होते हैं, आपके बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इकोलॉजी के क्वेश्चन एक ही जगह पे दिए होते हैं, तो आपके लिए ढूंढना मुश्किल होता है कि जो यूनिट आपने तैयार करी उसके कौन से क्वेश्चन हैं इसमें। इस बुक में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो यूनिट वाइज, ईयर वाइज सेग्रीगेटेड मिलते हैं, तो ये काम आपका बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज़, आप समझ सकते हैं ये बुक जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। 95% से ज़्यादा बच्चे जो नेट की प्रिपरेशन करते हैं उनके पास ये बुक होती है। वजह क्या, आप देख सकते हैं 13th एडिशन में चल रही है, क्योंकि ये बुक हमेशा अपडेटेड होती है। इस बुक में आपको जो लेटेस्ट एग्ज़ाम अभी आपका हुआ है 17th February को, June 2021 का, उसके भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वो भी सेग्रीगेटेड मैनर में। तो ये सबसे अपडेटेड बुक है और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है ये नेट लाइफ साइंस एक्सपीरियंस के बीच में। तो अगर आपने बाई नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर से बाई करिए। अमेजन, फ्लिपकार्ट या बुक स्टोर्स पे, सभी जगह पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको बाई कर सकते हैं और ज़रूर बाई करिए, इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए थी मेरे पास में। आप सभी लोग June 22 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे और काफ़ी तैयारी आपकी हो गई होगी, अब शायद आप फाइनल टच देने के प्रिपरेशन में हो। तो जो कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट है ये आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ऑफर कर रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं 25th March से। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में टोटल 18 टेस्ट आपको देने को मिलते हैं, 5 मॉक टेस्ट होते हैं और 13 आपको टॉपिकल टेस्ट मिलते हैं, जिसमें आपको 3 जनरल एप्टीट्यूड के मिलते हैं और 10 आपको यूनिट वाले टेस्ट मिलते हैं। तो अगर आप ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हैं और ऑनेस्टली एग्जाम को अगर देना चाह रहे हैं तो इन टेस्ट सीरीज को ज़रूर से ज्वाइन करिए। बहुत अच्छा मौका मिलता है आपको खुद को एनालाइज करने का, खुद को इवेल्युएट करने का और इम्प्रूव करने का कि किस यूनिट में आपने तैयारी करी और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये आपकी NTA बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है, डेस्कटॉप पे, ये कोई मोबाइल ऐप बेस्ड टेस्ट सीरीज़ नहीं है। तो ज़रूर से ज्वाइन करिए और जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। इसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।